कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके से एक ग्रिड का ड्राइंग। ओके, तो मैं अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं फर्स्ट पार्ट में ये सब के बारे में बता चुका हूँ और एक सिंपल सा ग्रिड करके ड्रॉ करके मैं बता चुका हूँ। ओके, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। और हम लोग इसी के लिए हम लोग शुरू करेंगे। अभी हम लोग का जो मैंने अवतार का ड्राइंग बनाया था उसका ही मैं एग्जांपल लूँगा, क्योंकि एग्जांपल ऐसा लो जैसे कि और मैं कितना फायर रेफरेंस फ़ोटो देता हूँ, आप जाके देखे होंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, कि मैंने जब ये अवतार ड्राइंग बनाई थी तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपने जाके देखा होगा। और हाँ, मैं क्या क्या इफ़ेक्ट बताऊँगा, जैसे कि आपको इसका प्रीमियम कैसे लेना है, मतलब यही है ना मेन। ये ब्लैक एंड वाइट, नॉर्मल कर दिया तो देखो ऐसे ब्लैक एंड वाइट, और ये सब कैसे अनलॉक करने का, ये सब ऑल, ठीक है, ये शार्पन, ये सब कैसे ऑन करने का, तो ये तो मैं बताने वाला हूँ अगले वीडियो में, पार्ट थ्री में। ये पार्ट टू है, इसकी वजह से मैं हम लोग को थोड़ा और अच्छा सीख लेते हैं। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि अबे हम लोग इसको ऑन कर लेते हैं लाइन को और लेवल को। ओके, अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम तो फाइल लेके जाके देख लो। और ये ऐप के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, वो भी उसमें भी फर्स्ट एपिसोड में है। तो ये मैंने ऑन कर लिया है दोनों, और ए डायगोनल, ठीक है, डायगोनल के बारे में हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं। तो डायगोनल के बारे में मेरे को एक चीज़ बताने का ही था कि ये जब देख रहे हो पॉइंट, एक एक पॉइंट, इसको बनता कैसा है, ये बनता कैसा है। ओके, तो ये सिंपल है, ये मैं इसी लेक्चर में, मतलब इसमें यही वाले पार्ट में आपको बता दे रहा हूँ, बस थोड़ा लंबा करके बताऊँगा कि ये देखो, पहले बात वन बॉक्स ले लेते हैं हम लोग, एक बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक सेकंड। तो आप देख सकते हो मैंने एक बॉक्स में, जैसे कि मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ। ओके, तो ये एक बॉक्स जो है, ठीक है, तो इसका और शार्प डिटेलिंग करने के लिए मैं ये बोल चुका था अगले लेक्चर में भी, कि ये ऐसा होता है कि एक ऐसा लाइन जाता है, एक ऐसा जाता है, यही होता है डायगोनल। ओके, तो मतलब एक बॉक्स में एक क्रॉस बोल सकते हो आप, एक एक्स बोल सकते हो, वो उसके अंदर बन जाता है। तो ये बनने के बाद आप लोग को इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा भी तो चाहिए ना। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको और एक्स्ट्रा डिटेलिंग करने को मिलेगा, आपको और एक्स्ट्रा करने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि डायगोनल में देखो, मैंने ये डायगोनल का नहीं किया था, जब भी मैं हमेशा बनाता हूँ डायगोनल नहीं करता क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ओके, इतना टाइम रहता नहीं है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे जो अगर आपने डायगोनल ऑन किया, ठीक है, अगर आपने डायगोनल ऑन किया, अगर आप बनाने गए तो आपको परफेक्ट मेजरमेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये जो क्रॉस जा रहा है, हाँ, तो ये जो क्रॉस जा रहा है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये जो क्रॉस जा रहा है, हाँ, और ये जो क्रॉस जा रहा है उसमें हुआ क्या है, देखो, जैसे कि ये जो क्रॉस जा रहा है उसके यहाँ से ये गया है, और ये जो बॉक्स है इसके यहाँ से गया है, ठीक है, मालूम है एकदम, मतलब सिंपल तरीके से चलता है, सब ब्लू दिख रहा है, एक मिनट, हाँ। तो ये जो जैसे कि मैं ईयर का ले रहा हूँ, यहाँ से गया है, आप ये कोना देख सकते हो, ये पॉइंट, ये जो डाइवर्ज हो रहा है यहाँ पे, वही यहाँ से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम चलेगा, देखो गाइस, मेरा उसमें भी बहुत परफेक्ट आउटलाइन बन रहा है, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा अच्छे सा आउटलाइन बन रहा है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ करके, ऐसा मालूम चल जाएगा ना एकदम मस्त से, देखो
एकदम मस्त है आउटलाइन भी भाई, मैं मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग सब में बना रहा हूँ तो भी देखो परफेक्ट बन रहा है, मालूम चला है। अगर मैं इसको हटा दिया तो क्या होगा, अगर मैं इसको हटा दिया तो क्या होगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ ये ईयर का। ओके, तो इसका थोड़ा सा बेकार बन जाएगा मेरे को मालूम है, परफेक्ट मेजरमेंट नहीं मालूम चलेगा अपने को। इधर थोड़ा देखो गाइस बेकार बन गया है, इधर 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 इधर। ओके, तो आप लोग भी अगर डायगोनल यूज़ करना चाहते हो तो करो। डायगोनल में अब डायगोनल बनता कैसे, मैंने ये इतना बना के दिखा दिया था आपको कितना सेंटीमीटर में कैसा मेजरमेंट लेते हैं। मैं आप इसे एकदम लास्ट पार्ट में टोटली बता दूंगा, वापस से करके बता दूंगा क्या जाता है यार, वापस से करके बता दूंगा क्योंकि आप लोग को और अच्छे सीखने मिला। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि जो जब हमारा वीडियो है सबसे पहले आपको दिखे। ओके, तो ये समझ लो अभी जैसे कि मैं 20 mm लिया था वाले ड्राइंग पे, तो मैं आपको 30 mm लेके समझाता हूँ, मतलब 30 mm मतलब 3 cm। ओके, तो ये मैं 30 ले लिया और अभी थोड़ा ये बड़ा हो गया तो आपको समझाने को आसानी रहेगी, नहीं तो आप जाके देख सकते हो। और ड्राइंग जो मैंने ड्राइंग बनाई है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो अगर डायगोनल में बनाया वो डायगोनल मतलब ऐसा मैं पहले ही बना के दिखा चुका हूँ ऐसे कैसे बनता है। तो यहाँ से ये जो वन दिख रहा है वन से डायरेक्ट एक सीधे लाइन खींच देना है, वो अपने आप हो जाएगा बाद में यहाँ से सीधे, यहाँ से सीधे, यहाँ से सीधे, ऐसे सीधे 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 बाद में यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो अपने आप ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं आप इसे अच्छे से करके बता दे रहा हूँ, ये तो बहुत बेकार था। ठीक है, आप इसे बता दे रहा हूँ मैं तो जैसे कि मैं ग्रीन कलर में ही बताता हूँ आपको, एक मिनट। ओप्स, ये क्या सेव हुई हो गया यार, सॉरी। तो मैं ग्रीन कलर में बता दे रहा हूँ, हाँ तो स्टार्ट। तो ये जो है ठीक है, हाँ तो मैं हाँ डायगोनल, तो डायगोनल में अगर ऑन करूँगा तो कैसे बनता है। देखो यहाँ से पहले बात, ये जो क्रॉस क्रॉस में है ये जो ऐसा प्लस बना है यहाँ यहाँ, मैं डॉट करके बता रहा हूँ गाइस, तो ये यहाँ डॉट डॉट जहाँ पे भी है सब जगह ये जो क्रॉस बाइसेक्ट हुआ है यहाँ से, यहाँ पे जो बाइसेक्ट हुआ है वही हम लोग को वहाँ से पास करना है लाइन हर एक, मतलब जो वन थ्रू मतलब उसके ही जरिए हम लोग को पास करना है लाइन, जब हम लोग ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये वन है, वन से हम लोग ने ड्रॉ किया यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ड्रॉ किया थ्री पे, यहाँ से हम लोगों ने किया 4, 5, 6। अभी मैं लाइन भी करके बता दे रहा हूँ इसमें, तो एक मिनट। हाँ, तो ये रहा हम लोग का लाइन, तो देख सकते हो ऐसे ऐसे पास होती है वो लाइन। ठीक है, ये थोड़ा बेकार बन गया है क्योंकि परफेक्ट लाइन नहीं बनी है। ठीक है, तो मैं आपको तो भी बता सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हो रहा है ड्रॉ, यहाँ पे हो रहा है ड्रॉ, यहाँ पे हो रहा है ड्रॉ, यहाँ पे हो रहा है ड्रॉ, मतलब ये यहाँ पे ही मिल रहा है। ओके, तो वहीं पे मिल रहा है आप जहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और मैं अगर यहाँ से किया यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब एक ना एक बॉक्स में तो वैसा बना ही रहेगा। जैसे कि ये अभी मैं यहाँ से भी कर देता हूँ, थ्री से कर देता हूँ, चलो थ्री से कर देता हूँ, ये थ्री से किया, फोर से किया, फाइव से, ऐसा करते करते ना वो अपने आप डायगोनल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारा झंझट पानी लगता है, इसके लिए मैं सिंपल ग्रिड में बनाता हूँ, डायगोनल पे नहीं बनाता हूँ। ओके, तो वैसे ये डायगोनल बनता है आप देख सकते हो। और रेडियल ग्रिड क्या होता है, रेडियल ग्रिड में सिंपल है, ये सब स्टॉप हो जाता है, ये मैंने अगले लेक्चर में समझाया था तो जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, बस वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया 28 मिनट का, थोड़ा थोड़े थोड़े लोग बोले भी थे, कुछ ज़्यादा लंबा बना दिया है तो भी इट्स ओके। तो ये जो है ऐसे 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 ऐसे, ये एकदम मतलब प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग के लिए, जो अभी तो इम्पॉसिबल। और मैं बनाने गया तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि एक मिनट आप देख सकते हो ना, मतलब एक ग्रिड में ही इतना सारा आ जाना चाहिए आपका पार्ट, एक ग्रिड में ही इतना पार्ट आ जाना चाहिए, तो वो तो अभी नहीं हो पाएगा और इसके अंदर बहुत टाइम लगेगा। और ये सिंपल है, बस कॉर्नर कॉर्नर से ले लिया गया है, जैसे कि ये एक सीधा लाइन ले लिया है, एक इधर से लाइन ले लिया है, बाद में ये कॉर्नर से उठा के यहाँ पे, एक कॉर्नर से उठा के यहाँ पे, सिंपल। ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा गाइस, प्लीज़। ओके, और इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये बनाया था जो मैं, और मैं ब्लैक एंड वाइट में नहीं बनाया था, कलरफुल में बनाया था। ओके, कलरफुल में बनाया था मैं,
ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल, पेंसिल, ये सब मैंने इस्तेमाल किया था। तो ये सब तो मैंने समझा दिया है। और हाँ, थोड़ा सा ये भी बाकी रह गया था हम लोग का लिस्ट इमेज का। ओके, लिस्ट इमेज का हम लोग का बाकी रह गया था। तो इसमें हम लोग को क्या पता चलता है कि कितना साइज़ है पेपर का। साइज़ 1 सेल, हम लोग ने एक ही सेल लिया, आपको मालूम है। एक सेल मतलब MM भी बोल सकते हो, 1 MM ऐसा। तो इसका आपको ये मिल जाएगा, साइज़ मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको इसका टोटली साइज़ मिल जाएगा। क्या हुआ, ओप्स सॉरी, इसका आपको यहाँ पे साइज़ मिल जाएगा। इस आप कितने में बना रहे हो उसको, 30 MM देखो बनाया था ना, 30 MM में भी मिल जाएगा। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। तो और बाकी रह गया था हम लोग का कुछ मॉडल। हाँ, मॉडल बाकी रह गया था हम लोग का, ये सब सैम्पल्स है गाइस। अगर आपको बनाना है तो आप इसमें से कॉपी करके बना सकते हो। ओके, तो जैसे कि आपको ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये 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 ये। ओके, तो जैसे कि मैं ये क्लिक किया, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं थोड़ा डाउनलोड करके बता देता हूँ। हाँ, ये रहा, मालूम चल गया। ओके, तो थोड़ी देर आपको मतलब वेट करना पड़ेगा, तो मेरे को भी मालूम था। ठीक है, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। और इसको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, एक मिनट। हाँ, आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे डाउनलोड कर दो। हाँ, ये सेव अपने आप हो जाएगा गाइस। बाद में आपको ऊपर सेव लिख के आया तो सेव हो जाएगा। मैंने गलती से 2 बार सेव किया, 3 बार किया। तो ओके, तो हाँ, और मैं आपको बताने वाला था कि ये भी बताने वाला था मैं अभी कि ये होता क्या है, या ये ओरिएशन और पेपर साइज़। ओके, तो इसका भी मैं बता देता हूँ, पहले मैं ओपन कर लूँ, बाद में आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं ओपन करके वो इमेज ला दे रहा हूँ। तो गाइस, ये मैंने इमेज ला दिया है, आप देख सकते हो। तो इसका अभी मैं फुल एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसको एडजस्ट कैसे करें। तो आपको एडजस्ट करना तो आता ही रहेगा, इसमें सिखाने की ज़रूरत क्या है। बस आपको इसमें सीखने की ज़रूरत ये है कि ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है। आप लोग अगर चलाते होंगे तो आपको सिंपली मालूम रहेगा, वैसे आसान है, जानने की ज़रूरत भी नहीं, तो भी बता दे रहा हूँ। इससे आप टर्न कर सकते हो, ये आप देख सकते हो, इससे आप टर्न कर सकते हो सिंपली। और इससे आप हॉरिजॉन्टल सब फ्लिप कर सकते हो, आप किस साइड बनाना है वर्टिकली। ये मैं ज़्यादातर अपने कार मॉडलिंग जब भी मैं बनाता हूँ उसमें इस्तेमाल करता हूँ। तब आपको सिंपल से क्रोप बता देना है, ऊपर से क्रोप दिख रहा है वो दबा देना है, आपका अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आप आराम से इसको बना सकते हो। अल्ट्रा डिटेलिंग में मिलता है, बस इसमें जो भी फ़ोटोज़ मिलते हैं अल्ट्रा डिटेलिंग मिलते हैं, क्योंकि आपको बनाने को और आसान पड़े सिंपल। ओके, तो हाँ, मैं बताने वाला था कि ये होता क्या, ठीक है, ये यही। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओरिएंटेशन मतलब इसमें होता क्या है कि आपको कौन सा हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, ये आपने वो वाले में जान ही गए होंगे। तो A4 ये सब क्या होता है, A4 कस्टम साइज पेपर, ये सब क्या है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ, पेपर साइज तो आपको मालूम रहेगा। अभी देखो, ये जो रहता है, अभी ऐसा नहीं A5 ज़्यादा बड़ा है, A4 ज़्यादा छोटा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। अब समझते हो कि इससे छोटा पेपर यहाँ तक जाता है, समझ लो ये मेरा बॉक्स एक पेपर है, ये सबसे बड़ा है, एक मिनट। हाँ, ये सबसे बड़ा है A5, A4 से छोटा है, A3 से छोटा है, A2 से छोटा है, A1 से अच्छा है, कस्टम तो एकदम छोटा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये इसका एक उल्टा प्रोसीजर है, इसका एक ये उल्टा है, उल्टा, क्योंकि ये छोटा रहता है एकदम, A4 उससे बड़ा रहता है, A4 साइज पेपर आपको मालूम रहेगा, A3 उससे बड़ा, A2 उससे बड़ा, A0 उससे बड़ा। ओके, ये तो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब आप रियल साइज़ में देखोगे तो उससे सच में बहुत बड़ा ही दिखेगा। अगर आप कस्टम, क्या होता है, मतलब आप कस्टमली कर सकते हो, मैं यही करके बताऊंगा अभी, मैं आपको कस्टम मैंने किया। ओके, तो यहाँ पे आप हाइट विड्थ लिख लेना, जैसे कि मैं आपको एक फ़ोटो ओपन करके बता दे रहा हूँ, और मैं इसका ही फ़ोटो ओपन करके बताऊँगा यही चीज़ का, क्योंकि ये मैंने आधा आधा लिया है ना, क्रॉप करके लिया है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी गैलरी में ओपन कर रहा हूँ। ओके,
तो गाइस हम लोग का आप देख सकते हो कि हम लोग का सिर्फ इतना ही आया था ओके इतना ही आया था। तो अभी अगर आपको फूल चाहिए रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फूल हम लोग को बनाने का तैयार ये क्या हो गया, ठीक है। तो उसका भी टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे सिखाता हूँ। तो इसका पहली बात हम लोग को, अगर आपको यहाँ पे डिटेल्स भी दिखाए जाते हैं कहीं पे भी डिटेल्स रहेगा, मेरे में 3 डॉट है तो मैं 3 डॉट कर ले रहा हूँ, फ़ोन का आपको भी मिल जाएगा ऐसा डायरेक्ट डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हो, ये यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है, इसको सिंपल से क्लिक करना है और आपको अपने आप हाइट ब्रेथ मालूम चल जाएगा इसका, ओके। एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपने आप आपको हाइट ब्रेथ मालूम चल जाएगा इस पार्टिकुलर फ़ोटो का, ये रहा। तो ये जो रहता है ये विड्थ रहता है, ये जो रहता है ये हाइट रहता है, ओके। आपको ये एक नोटबुक में लिख लेना है, ओके। आपको ये एक नोटबुक में लिख लेना है कि इसका मार्किंग कितना है, इसका वो कितना है, ठीक है। जैसे कि मैं भी अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने कि हाइट कितना है, विड्थ कितना है, ओके। हाइट है 5372 और विड्थ है 5372 सेम है, मतलब बॉक्स टाइप है, 5372 5372 एक बॉक्स टाइप का हो गया, ओके। बस अब मैं 5372 याद रखता हूँ और चले जाता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये क्या वेबसाइट ओपन हो गई। तो मैं अभी एक ले रहा हूँ, ओह सॉरी गलती हो गई कस्टम। तो इधर 5372 लिख दे, 5372 और इसका भी कितना था 5372। तो ये एक परफेक्ट बॉक्स टाइप बन गया। अगर एक दोनों कम ज़्यादा रहेगा वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, ये भी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा आई थिंक, ओके। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, तो आपको सिंपल से ओपन में क्लिक कर देना है, ओपन में, ओके। तो मैं अभी बता नहीं सकता, फ़ोटो में आप फ़ोटो ला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने फ़ोटो ऑन कर लिया है और ये परफेक्ट आ जाएगा, शायद देख लो परफेक्ट आ गया। ये ही होता है उसका फ़ायदा कस्टम का, इसके लिए कस्टम में मैं कभी कभार रख के बनाता हूँ, अवसार का कस्टम में ही बनाया था। तो इसको अब बाद में क्रॉप कर लेना है, पर एक लफड़ा एक सॉरी गाइस मैं बोल रहा था कि अभी ये मैंने कस्टम फ़ोटो ले लिया उतार का, ये मेरे को मालूम है क्योंकि वो उसमें मालूम नहीं ऐसा बग हुआ था कि वो फ़ोटो हो ही नहीं रहा था, तो मैं आप ही से मिल गया। तो गाइस यही कस्टम मैंने फ़ोटो लिया है, बस इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर आपको ये इतना टोटल साइज़ का अगर बनाना रहा सपोज़ आपको ये टोटल साइज़ का आपको ये बनाना रहा तो सिंपल है, अभी आपको मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या होता है। अभी ये रेडी कर ग्रेड हटा रहा हूँ तो देखो आप देख सकते हो, यह प्रॉब्लम ऐसा कभी कभार हो जाता है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभार बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, एकदम बड़ा हो जाता है। अगर आप में बड़ा हुआ तो कुछ बात नहीं, अगर छोटा हुआ तो कुछ बात नहीं। डायगोनल को भी हटा देता हूँ तो देख सकते हो किसी किसी में कुछ मतलब फ़ोटो छोटा इतना बड़ा रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, कम से कम इतना बड़ा हो जाएगा आपका, इतना छोटा फ़ोटो रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर ऐसा जाना है जो 15mm सेल है, इसको कम से कम अगर समझ लो 30 पे पहले कर दो, 30 है, ठीक है, ये 30 पे हो गया। तो 3 × 3 = 6, तो 6 पे कर दो इसको, 60 कर दो 60, बाद में अगर देखो छोटा होता जा रहा है ना 60, बाद में अगर 90 कर दो 90 90, अगर आपको ये भी नहीं जमा 90 भी नहीं जमा तो आप सिंपल से 120 कर दो, 128 नहीं 120। अभी मैं ये 3 के टेबल से क्यों ले रहा हूँ आप लोग ऐसे, क्योंकि हम लोग को ये 3 सेंटीमीटर का ही लेना है, ठीक है। हम लोग को ये जो एक ग्रेड लेना है, जब हम लोग आप लोग ड्राइंग के में बनाओगे तो ये जो एक लेना है वो 3 सेंटीमीटर का लेना है, चाहे आप कितना भी बड़ा क्यों ना कर लें, यहाँ पे आप कितना भी बड़ा क्यों ना कर लें mm का साइज़, ओके समझ गए। तो ओके आप ये आपको मान चल गया, ठीक है। अभी मैंने कितना बड़ा किया देख सकते हो, 120 mm। अभी मैं दूसरा फ़ोटो लूँगा, ठीक है, अभी मैं दूसरा फ़ोटो पे देख सकते हो, मैं दूसरा फ़ोटो लिया हूँ वो भी A4 साइज फ़ोटो में, ठीक है। तो मैं इसको डन क्रॉप करता हूँ, अब ये आप देख सकते हो कितना मतलब ये परफेक्ट साइज हो गया, परफेक्ट नहीं थोड़ा बड़ा हो गया, देख सकते हो ये बड़ा हुआ है। आप ऐसा बना सकते हो क्या ग्रिड में, मतलब इतना बड़ा
इतना बड़ा बना सकते हो नहीं ना, आपको कम से कम ऐसे इतना साइज़ तो कम से कम चाहिए ही होगा। तो अब देख सकते हो कितना बड़ा हो गया है, तो ये 20 cm कर देगा, तो परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा मालूम है, क्योंकि ये जो इसका साइज़ है वो कभी कभार ऐसे होता है, मैंने आपको बोला था प्रॉब्लम। तो आपको कम से कम लेना है इसका 80 cm ले लेता हूँ मैं, तो वो परफेक्ट हो गया। ठीक है, कम से कम आपको इतना चाहिए ही चाहिए, समझ गए। तो और मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो ये मैं आपको बता दूंगा, ये स्ट्रोक का मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि इधर से आप चेंज कर सकते हो कलर, और कुछ नहीं है। जैसे कि ये देखो ग्रीन रेड हो गया, ओके अक्सर मैं रेड, नहीं तो कोई कोई हमेशा ग्रीन रखता है और मैं वो ग्रीन ही पसंद है। तो अगर तो गाइस आप समझ गए, ठीक है इतना तो समझ गए टोटली। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हम लोग ने आज डायगोनल सीखा है, रेडियल ग्रिड सीखा है, और ये भी टोटली सीख लिया है इसका ओके। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट का मैं बता दे रहा हूँ क्या रहेगा, कि हम लोग इसका प्राइमरी कलर फ्री में लाएंगे, और इफ़ेक्ट का जो भी है वो सब फ्री में हम लोग को मिल जाएगा। पर उसको लिए भी एक ऐप लगेगा, वो एक ऐप कौन सा है वो जाके चेक कर लेना ओके। चेक कर लेना नहीं, मैं उसमें अगले ही वीडियो में बता दूंगा। ये थोड़ा वीडियो कम बना है उससे, तो मालूम है आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लेना, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ओके। तो और आपको ग्रिड का ऐप चाहिए वो अगले एपिसोड से ले सकते हो आप, क्योंकि इस एपिसोड में आ नहीं रहा, मैं भूल गया, ठीक है भूला नहीं हूँ मतलब, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो अगले में ले लेना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।